आज हम लोग देखने वाले हैं 8.3 एनसीईआरटी का। तो हम लोग शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हो, तो उसको हम लोग को रिवीजन करना है, तो शॉर्ट में ही कम समय में हम लोग को कर लेना है ना। तो फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही होगा है ना। तो चलते हैं, नंबर बदल देते हैं और कर देते हैं 8.3 एक्सरसाइज 8.3। और कौन सा बुक से? एनसीईआरटी, जो सरकार देती है फ्री में है? सरकार पैसा लेती है मतलब पैसा मिलता है ना स्कूल में। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो चलिए इसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला चाहिए, ज्यादा नहीं 6 फॉर्मूला की जरूरत होती है ना। फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लीजिए, साइन 90° माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90° माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और सेक 90° माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और टेन 90° माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसी तरह और हो जाएगा, तो साइन कोस और सेक अभी बहुते हैं, टेन और कोट, कोट 90° माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। देखो तो बढ़िया से वीडियो आ रहा है, अच्छा हो गया ना। इसके बाद कोसेक, कोसेक 90° माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अरे क्या हुआ जी? तो इतना तो आप लोग पहले से फॉर्मूला जानते ही होंगे है ना। फॉर्मूला ये नहीं रहेगा तो आप लोग 8.3 नहीं बना सकते हो। बस 6 फॉर्मूला याद करना है और ये चैप्टर समाप्त कर देना है, कितना आसान नहीं। तो या तो मैं आसान सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या तो फिर जो पढ़ाता हूँ आसान होता है, आसान हो जाता है नहीं, दोनों में से एक ही हो सकता है। चाहे तो मैं आसान पढ़ाता हूँ या फिर जब जो मैं पढ़ाता हूँ वो आसान हो जाता है ना। तो चलिए इतना हम लोग को, आप लोग भी पहले पढ़े होंगे तो इसको हम लोग रिवाइज करना है, तो इतना फॉर्मूला को लेकर के हमको पूरा पहले समझिए। तो आप लोग 10th क्लास जो पढ़ रहे हो तो 90° तक एंगल लिया जाता है, लेकिन 11th-12th में पढ़ोगे तो 90° से ज्यादा के एंगल आपको पता करना होना चाहिए। कैसे पता करते हैं आगे हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला तो समझ में आ गया सबको, कितने फॉर्मूला है। यानी कि साइन से कोस बदलता है, कोस से साइन, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक, टेन से कोट, कोट से टेन, ऐसे बदलता है। तो चैप्टर नंबर 1 का बुक नहीं आप लोग के पास, देख सकते हो लो, सब है सबके पास आज लाए हो जी। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या NCERT 8.3 का 1 का प्रश्न है, ये बन जाता है सबको जी। साइन 18 तुमसे होता है जी, बनाए नहीं करी थी। साइन 18 और कोस 72°। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना होता है कि दोनों के जोड़ के हमको 90° का होना चाहिए। तो देखिए 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90° होगा कि नहीं होगा? तो हम दोनों में से कोई एक को चेंज कर देंगे ना, तो दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 आएगा। ऐसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा नहीं रहेगा ना तो भाग दे वाला रहेगा तो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है? भाग देने वाला रहेगा तो 1 आएगा आंसर, और घटाने वाला रहेगा तो 0 आएगा आंसर, ठीक है? अगर यहीं पे दिया रहता ऐसे, आप यहां लिखा रहता कोस 72° और बटा साइन 18°, तो ये घटा देंगे तो घटेगा तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 आएगा। क्या थी? हाँ सॉरी, घटेगा तो 0 आएगा, भाग देंगे तो 1 आएगा, होगा कि नहीं होगा? तो चलो हमको प्रश्न में यही यही देखते हैं। तो देखिए या तो नीचे वाला को बदल दे चाहे तो ऊपर वाला को बदल दे। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे, देखिए अगर कोस 90° माइनस 72 करेंगे तो हमारे पास इसको घाट के क्या आ जाएगा? 18 आएगा ना। तो कोस 90° कोस 90° माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? साइन 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां लिखेंगे कोस 90° माइनस 18° लिखेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे सॉरी, साइन
90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखेंगे तो देखिए 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटेगा अगर तो क्या बन जाएगा 18 बचेगा कि नहीं, हमको ऊपर वाला चेंज करना है 18 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा 18। तो इतना सोचना नहीं है कि कितना घटाना है, बस नीचे वाला देखना है कि नीचे कितना 72 है तो 72 घटाएंगे ऊपर वाला आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोस 72 डिग्री होगा कि नहीं होगा इस फॉर्मूला से कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा की जगह 72 डिग्री है तो क्या होगा कोस 72 डिग्री। तो इसके जगह हम जब ऐसे बदलेंगे तो बदलने के बाद यहाँ नीचे हो जाएगा कोस 72 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कोस 72 डिग्री और बटा कोस 72 डिग्री, तो दोनों 72 डिग्री है तो कट जाएगा ऊपर नीचे बराबर बराबर रहता है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह 2 में भी है, इसी तरह इतनी तेजी से चलते हैं। हाँ तो और सब बन जाएगा ना, ऐसे 8.3 का बन गया तो 10 वाला में क्या करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री तो कोट बदल जाएगा ऊपर में कोट हो जाएगा कोट कट जाएगा तो कोट कट के एक आ जाएगा फिर बाद वाला में घट जाएगा दोनों का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर एक को देख लेते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात कर लेते हैं। पहला क्या आपको 1 2 3 4 अपने से बना लेना है, बहुत इजी है। तो दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, दूसरा का फर्स्ट नंबर देखिए लिखा हुआ है क्या 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री और इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री अब बराबर 1 करना है, प्रूफ करना है, सीध दिखाएं याद करें या फिर सीध करें लिखा रहेगा, या तो दिखाना है या तो सीध करना है। तो दिखाना है कि इतना बराबर हमको 1 के बराबर हो सकता है ना, तो इससे इसको बना दीजिए चाहे इससे इसको बना दीजिए, तो 1 से इसको बन सकता है लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है कि नहीं, लेकिन इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो इधर वाले को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड है ना। तो LHS से चलेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो LHS से, तो LHS में क्या दिया है ये दिया है पूरा मिटा देते हैं, LHS में ये दिया हुआ है तो हमको देखना है कि अब हमको बदलना होगा इसको। एगो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा होता है और cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो दूगो के हम अगर बदल देंगे कोट में, दूगो को कोट में बदल देंगे तो फिर उलट देंगे तो नीचे टैन आ जाएगा ऊपर भी टैन नीचे भी टैन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ देखिए टैन, अब यहाँ पे 90 डिग्री, अब सोच रहे कितना घटा है ना, तो अगर इसको हम बदलना है तो इसमें से जोड़ेंगे कौन वाला जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो अगर 48 और 42 जोड़ देंगे तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यानी कि 72 अगर घटा देंगे तो 72 डिग्री घटा देंगे सॉरी हाँ 42 डिग्री 42 डिग्री अगर घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना 48 आएगा। चलो फिर इसको अगर बदल देते हैं, इसको बदलते हैं 10 90 डिग्री माइनस, अब इसको बदलेंगे घटा देंगे, ज्यादा सोचना नहीं कि हमको कितना घटाना है ठीक है, इसी में से देख करके कौन को जोड़ेंगे कि 90 डिग्री मेरे पास आ रहा है तब घटा देंगे और साथ में क्या बचा इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री हो गया। अब यहां देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोट थीटा होता है तो यहां क्या हो जाएगा कोट 42 डिग्री इंटू यहां भी कोट हो जाएगा कोट 67 डिग्री हो गया इंटू 10 42 डिग्री हो गया इंटू 10 67 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया क्या हुआ। तो चलिए यहां देख लिए हम लोग, अब अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा यार cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है, इसी को हम क्या लिख सकते थे 1 बटा tan 42 डिग्री होता है इंटू 1 बटा tan 67 डिग्री हो गया इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 हाँ 67 डिग्री हाँ हाँ होता है लेकिन ऐसे ज्यादा समझ में आएगा ना
है ना, अभी टेंथ में है तो नीचे तक देखना है ना, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो वन हो जाता है डायरेक्ट, वो भी एक फॉर्मूला होता है ना, तो ऐसे होता है। तब देखो टैन टैन खत्म, यही टैन दोनों ऊपर नीचे बराबर था, तो ऊपर नीचे जब बराबर होता है जैसे दो में दो से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, एक होता है ना, उसी तरह दोनों से भाग देंगे तो कितना मेरे पास आएगा, वन आएगा, वन। तो देखिए एल एच एस बराबर मेरा क्या आया, एल एच एस बराबर वन आया, एल एच एस बराबर क्या आया वन, अब बराबर इतने तो आर एच एस था है ना, तो क्या होगा सीध हो जाएगा, एल एच एस बराबर बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो जाएगा है ना, यहां लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान था, बस बदलना है, और बदलना है तो देखना है कितना हमको घटाना है, और घटाने के लिए क्या करेंगे कि इस नंबर में कौन वाला जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो देखो 48 में से 42 जोड़ेंगे ना तो 90 हो जाएगा, इसलिए क्या किया यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री किए थे, है कि नहीं। एक बार और समझा देते हैं इसको, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक चीज देखो इसको tan 90 डिग्री माइनस अगर ये घटाते हैं 42 डिग्री, तो आप देखो 42 डिग्री तो देखिए 10 में से 8 घटा, 2 घटा तो 8, ये बच गया 8, 8 में 4 घटा तो 8, इतना आया कि नहीं, तो tan हमारे पास 48 डिग्री हुआ कि नहीं, यही वाला बतिया ना हुआ है, तो इसको इसको जोड़ने के बाद देख रहे 90 हो रहा है, यानी 90 में से इसको घटा देते इतना हमारा आ रहा है ना। उसी तरह इसमें से देखेंगे 90 डिग्री माइनस इसको घटाए थे तो ये आया था, अब कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों बदलेंगे, यही भी बदल सकते हैं दोनों में से, तो चार में से दो को हमको बदलना था तब प्रूफ होगा इतना। चलो खत्म हो गया, तो वन नंबर समाप्त हो गया है ना। चल रहा है, तो इसी तरह हम लोग का दूसरा का दूसरा नंबर है, इसको भी बदल देंगे, और बदल देंगे तब घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा इसका। देख लीजिए दूसरा नंबर भी कर लेते हैं, दूसरा नंबर में कोस 38 डिग्री है, और 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री है, माइनस साइन 38 डिग्री है इंटू साइन 52 डिग्री है बराबर जीरो है, तो एल एच एस है तो एल एच एस से चलेंगे, हमको जीरो लाना है इसको, है कि नहीं। तो देखो क्या करेंगे, कोस कितना घटाएंगे 90 डिग्री तो करेंगे ही, अभी कितना घटाएंगे तो 38 हो जाए, तो देखो ये दोनों साथ में है, तो 52 अगर घटाएंगे, 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 2 घटा तो 8, और 8 में से 5 घटा तो 3, आया ना। चलो ये हो गया, अभी को छोड़ देंगे इसी, कोस 52 डिग्री हो गया, ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं आगे, इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद देखिए साइन माइनस, यहाँ पे माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, हाँ तो यहाँ क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो जाएगा, अब इंटू साइन बावन डिग्री, ये हो गया, हो गया ना। तब इसको कैसे करेंगे माइनस घटाएंगे कैसे, किसको अच्छा 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 जीरो करना है हमको ना जी, तो इसमें से हमको देखना होगा कि दोनों में से कौन बराबर कैसे हम लाएंगे, ई और ई घटाएंगे तो तब ना जीरो आएगा, या तो इसको हमको दोनों बदल देंगे, या तो हमको दोनों इसको बदल देंगे, या फिर इसको बदल देंगे, दोनों कोस में है तो दोनों अगर साइन कर देंगे इसको तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। घटाने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो देखिए अगर इसको बदलना चाहे चाहे इसको बदलना चाहे बात बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ पे बदलते हैं तो कोस 90 डिग्री माइनस 80 हो जाए, माइनस कितना घटेगा 52 डिग्री घट जाएगा, इसको भी बदलेंगे कोस 90 डिग्री और माइनस इसमें घटा देंगे 38 डिग्री, ये भी इसको घटाएंगे तो हो जाएगा इतना, और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही होता है ना। अब देखिए कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 52 डिग्री हो गया, और इंटू यहाँ भी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री हो गया, और माइनस साइन 38 डिग्री अब इंटू साइन 52 डिग्री, तो देखिए दोनों बराबर बराबर आ गया, अगर हमको बराबर बराबर एक्स में से एक्स घटता है तो क्या होता है जीरो आ जाता है,
तो उसी तरह दो में से दो घटेगा तो क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरह दोनों समान है अगर, तो समान समान कोई अंक घटेंगे, समान समान वैल्यू घटेंगे तो जीरो आ जाता है। तो साइन 52 डिग्री माइनस साइन इंटू साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री दोनों बराबर है तो घटेगा तो क्या होगा, जीरो। तो हमको एल एच एस बराबर क्या आया, जीरो। और आर एच एस बराबर भी क्या दिया हुआ था, जीरो ही दिया था। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, तो प्रूव हो गया कि इतना बराबर जीरो होता है। पता है कि नहीं होता है, इतने करना था। ये समझ में आ गया ना। इसके बाद देख लेते हैं तीन नंबर लिया हुआ है प्रश्न, लिख लेते हैं पहले। तीन नंबर में क्या है कि टेन टू ए, तीन नंबर में है टेन टू ए बराबर करना है, दिया है कोट ए माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है ना, जहां टू ए न्यून कोण है। देखिए ये सब खाली ध्यान ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं एंगल वाला तो 90 डिग्री से कम के पढ़ रहे हैं, और 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है न्यून कोण ही होता है, होता है ना, होता है ना सोनाली। तो देखिए 2a बराबर क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, a का वैल्यू। इससे पहले हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, एक चीज समझाना चाहते हैं। अगर देखिए, अगर यहां पर रहता है 4x बराबर 3 12y का रहता है, 12y रहता है, रहता है अगर, तो क्या करते हैं, चलती है 12 से काट देते हैं ना, करते हैं अरे बाबू ई थोड़ी काट रहे हैं, हम नंबर काट रहे हैं तो कटवे करेगा ना। या फिर 4x बराबर 4y रहेगा तो ई क्या होगा, कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर y। देखो 4x बराबर 4y का ये दोनों बराबर है, अगर काट भी देंगे तब भी दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, तो गुना में रहता है तो बराबर बराबर उसे काट सकते हैं। चल देखो ऐसे नहीं करेंगे सोल्यूशन जी, कैसा सुना ली है बाबू, 12y/3 हो जाएगा ना, गुना जाएगा तो अभी काट सकते हैं 3 चौके 12, तो यहाँ तो डायरेक्ट 3 चौके 12 काटे, काटे कि नहीं काटे, वही बात इसमें करना है हमको। इसलिए हम आपको दिखाए चीज समझाए थोड़ा सा, कि बाहर से थोड़ा आसान वाला चीज समझ में जल्दी आता है। तो यहाँ दिया है तो ए का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, ए बराबर इसमें क्या हुआ, जहां पे 2a बराबर न्यून कोण है, यानी कह रहा है कि जो 2a का वैल्यू है ना 90 डिग्री से कम है, अगर 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो हमको 10th में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए पहला ही बोल दिया है कि 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री तक ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हमको। देखिए सोल्यूशन करना है, क्या करेंगे, इधर कोट है, इधर टेन है, इधर कोट है, तो हमको दोनों जने बराबर, अगर चाहे तो टेन को हटा दें चाहे तो कोट को हटा दें, दोनों जने अगर हटा देंगे इस रेशियो को, इस वैल्यू को, तो हमको 2a बराबर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हमको, कि हमको इसको इधर इसको बदल देते हैं, इसको क्या करेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 2a करेंगे और बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री कर दी। अब देखिए दोनों अभी कैसे बताया, एक्स एक्स करके एक्स वाई करके, दोनों बराबर था तो हटा दिए ना, तो दोनों दोनों तुलना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, बचेंगे क्या, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री है कि नहीं। अब देखिए इसमें खाली a बचा है तो कैलकुलेशन करके निकल जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको इधर चला देते हैं, इधर चला देते हैं, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो क्या मेरे पास आया 8 9 10, यहाँ पे आया 3a, तो a बराबर क्या आएगा 108/3। देखो तो a बराबर क्या है मेरा 108/3 आया, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 6 18, इसलिए a का वैल्यू हमको कितना आया 36 डिग्री आंसर आया। यहाँ पे कहने आपको कंफ्यूजन हुआ क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है जी, है कहां से, पूरे से देखो यहां पे समझ में, देखो हम लोगों को फॉर्मूला जानते हैं, यहां फॉर्मूला लिखते हैं कि ये लो देखते हैं टेन, यहां पे कहीं दिखेगा कि नहीं, उसमें इसमें देखते हैं, इसमें यहां पे जगह बना लिए, अब यहां देखते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है, होता है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला जानते हैं,
कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये होता है कि नहीं होता है? तो हमको देखो टेन को हमको अगर कोट में बदलना है, कोट की तरह लिखना है, तो अगर हम देखो यहां टेन है ना, तो इसको हम अगर लिख देंगे, इसको लिखेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 2a हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 2a है, 4a भी कहीं हो सकता है, तो थीटा की जगह इतना है। तो देखो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या हुआ टेन थीटा, तो इसको भी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे ना टेन थीटा, तो इसको भी लिखेंगे टेन थीटा, लिख दिए। लेकिन थीटा की जगह यहाँ क्या है 2a है ना, यहाँ लिख दिए 2a, तो यही बतियाना है ये वाला, यही बात है ना, यही बात है। जैसे कि मान लीजिए हमको वजन है कितना 50 किलो है और तुम दोनों 25-25 किलो है, तो हमको रख दो चाहे तुम दोनों आ जाओ, बात एक ही है, वजन तो उतने होगा ना। तो यही उतना ही चीज है, यही उतना ही चीज है, यहाँ चीज ध्यान खाली है, ये दोनों चीज क्या है समान है। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह क्या है 2a, तो यहाँ भी 2a हो जाएगा थीटा की जगह, यही ना 2a है टेन 2a, यही वाला चीज है ना, समझ में आया बात। तो ये चीज हो गया, अब देखो दोनों दोनों बराबर कोट कोट लिखा है, तो कोट कोट क्या हो गया कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो बचा ई और बचा ई, तो ये दोनों बच गया। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन तक करते करते यहां तक तो आराम से समझ में आया होगा कैलकुलेशन करने के बाद। इसके बाद इसको क्या किए हम, कुछ नहीं किए हैं, ई वाला को हम लोग 3a को इधर भेज दिए हैं, तो माइनस हो जाएगा इधर से इधर, इधर 108 यही माइनस में होगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल, तब यहाँ पे क्या आया 3a बराबर मेरा क्या आया 108 आ गया। अब a वाला जो कहा तीन कहाँ चल जाएगा नीचे चला जाएगा, तो तीन चला भाग दिए 36 आ गया, समझ में आया, बहुत आसान था। चलो तो ठीक है, ये खत्म हो गया, तीन हो गया समाप्त। अभी आप आगे चलेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा, ऐसे प्रश्न और आगे है लगता है ना। चार की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की ओर, चार में है टेन ए बराबर टेन बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो वही प्रश्न सेम टू सेम ऐसे है, लिखल है कि टेन ए बराबर टेन बी है, तो सिद्ध करना है, अच्छा कोट भी है प्लस कोट भी है, कोट भी है, तो सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर हमको कितना आना चाहिए 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है, इतना से इतना करना है। तो देखो इसमें ना टेन है ना कोट है दोनों में से कुछ हो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे कि ये दोनों खत्म कर देंगे। तो देखिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट कोट 90 डिग्री माइनस ऐसे कैसे हो जाएगा देखो ना, टेन कोट 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो इसको वैल्यू कितना आएगा टेन ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इधर देखो कोट बी हो गया ना, दोनों बराबर बराबर तो खत्म हो जाएगा, तो 90 डिग्री और माइनस ए बराबर आ गया बी, तो 90 डिग्री बराबर क्या आया ए प्लस बी। अब यही तो सिद्ध करना था है कि नहीं, तो आप इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, हो सकता है सर इसको बदले हो है कि नहीं, चाहे आप पढ़े हो कहीं तो हो सकता है इसको बदले हो, कोनों को बदलिए। अगर उसको बदल के दिखा देते हैं हरा रंग से, हरा रंग से देखो इसको बदलते हैं अगर, तो क्या है टेन ए है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस बी लिख देंगे, यहाँ पर करेंगे ना, तो यहाँ पे होगा टेन टेन कैंसिल हो गया बराबर है दोनों दोनों, तो ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस बी, और इसलिए माइनस इधर प्लस हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया क्या प्रूव्ड हो गया ना। तो दोनों में से कोनों बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमको बदलना कौन आसान होगा। पिछले वाला प्रश्न में हमको 2a को ही बदलना आसान था है कि नहीं, तो ये दोनों में से कोनों बदलिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि थीटा की जगह एक एक नंबर खाली दिया है। चार हो गया समाप्त, पांच की ओर चलते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर पांच में, पांच में क्या दिया है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस इतना डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, पिछले नंबर जैसे तीसरा था वैसी है पांचवा नंबर दिया है, क्या सेक
sec 4a है जी, sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री है। तो a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, जहां 4a जो है वो न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो हमेशा 90 डिग्री से कम ही रहेगा। ठीक है, 11, 12 में दिल रहेगा कि 90 डिग्री से अधिक है तो इतना से अधिक है, ये सब उसमें कैलकुलेशन करना हमको पड़ता है सबको। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन अगर कर देते हैं तो इसको में भी क्या करेंगे, तो हमको इसको बदल दे सेक में या फिर इसको बदल दे कोसेक में, तो इसको हम बदलना हमको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, हालांकि बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल के बना देते हैं। देखिए सेक 4a, इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, सेक 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ए 20 कर रहे 20 लिखेंगे ना, इसे लिखेंगे ना, उसको भी बदलेंगे अगर, तो सेक सेक दोनों बराबर तो क्या होगा कैंसिल हो गया, तो 4a बच गया इधर 90 डिग्री और माइनस, और एक माइनस से गुना करेंगे तो माइनस है, और माइनस माइनस प्लस 20 हुआ ना। इसके बाद देखिए 4a बराबर अगर इधर जाएगा तो क्या होगा 4a और प्लस इधर जाएगा तो कितना हो गया प्लस और बराबर 90 और प्लस 20 हुआ ना, 4 × 5 बराबर कितना हुआ 110 हो गया, तो a बराबर क्या होगा 110/5 कट के 5 × 10 5 × 10 हो गया जी, तो 22 डिग्री, a का वैल्यू कितना आया 22 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो उसको भी चेंज किया और इसको भी चेंज किया, लेकिन यहाँ चेंज किए तो हमको माइनस फिर गुना करना पड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन आपको सही से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अगर गुना करेंगे, इसको अगर चेंज करना चाहेंगे तो इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे कोसेक 90 डिग्री और माइनस 4a कर सकते हैं, अब यहाँ कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो गया, होगा कि नहीं होगा, देखो कोसेक कोसेक दोनों दिन है खत्म हो गया, तो 90 माइनस 4a अब बराबर a माइनस 20 हो गया, तो a को इधर भेज देते हैं और इधर को इधर भेज देते हैं, तो 90 प्लस 20 और a माइनस 4a सॉरी प्लस होगा ना 4a, तो फिर यहाँ उतना ही तो आया 110 यहाँ 5 हो गया, अब फिर काटेंगे तो क्या होगा a बराबर फिर उतना ही आएगा, वैसे आया ना। तो कुछ को भी चेंज करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो आसान लग रहा है वो कर लीजिए। क्या चलिए तो हो गया समाप्त, आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है पूछिए जी। हाँ देखिए प्रश्न में है, प्रश्न में क्या है देखिए, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण को दिखाता है, देखो त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, और जो एबीसी एंगल जो है उसका अंतः कोण को दिखाता है, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण, तो ये कोण एंगल ए एंगल बी एंगल सी, त्रिभुज है उसका एबीसी कोण को दिखाता है, तो दिखाइए रखे हैं कि नहीं, दिखाइए है दिखाना है साइन बी प्लस सी बटा 2 और बराबर कोस ए बटा 2, ऐसे दिखाना है, इतना बराबर हमको इतना दिखाना है चाहे इतना बराबर इतना दिखाना, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न में पहले बोल दिया है कि त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, ये एबीसी कोण है ना, ये त्रिभुज का अंतः कोण है, तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस एलएचएस से चलेंगे तो क्या होगा साइन बी प्लस सी बटा 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते एलएचएस, तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट, मान समीकरण फर्स्ट क्यों मान लेंगे, क्योंकि आगे जाके कुछ का वैल्यू हमको इसमें रखना होगा, तो समीकरण फर्स्ट इसलिए हम लोग मान लिए हैं। यहाँ देखिए ध्यान देना है अंतः कोण है, किसी त्रिभुज के अंतः कोण का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री के योग के बराबर होता है, किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, पता है ना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर दिए तो कितना हुआ 80 डिग्री हुआ 180 डिग्री हुआ ना। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम
देखिए यहाँ हमको ई वाला लाना है, ई वाला लाने के लिए क्या करें, बी प्लस सी दिया हुआ है ना, तो हमको कर दिए बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, ऊपर वाला तो आ गया, लेकिन हमको ए वाला लाना है, नीचे दो भी करना है, तो अगर हम दोनों तरफ दो से भाग देंगे है ना, दोनों तरफ दो से भाग देंगे, दो से दोनों तरफ दो से भाग देने पर, भाग देने पर इंक लगता है खत्म होने वाला है ना, अब दोनों तरफ दो से इसमें भाग देंगे बाबू तो क्या होगा, क्या होगा b प्लस सी बटा टू, इधर वाला भाग दे दिए, अब एक में भाग देंगे तो क्या होगा 180 माइनस ए बटा टू, हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब देखिए इसके जगह हम इसको रख सकते हैं, ये दोनों जब बराबर है वाला हम यहां ना रख सकते हैं, रख सकते हैं कि ना रख सकते हैं, अरे देखो एक मैथ को बनाने के लिए एक तरीके नहीं है, दसों तरीके हैं, पांचों तरीके हैं, है ना, देखो यहां ध्यान समझिए, तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो b प्लस सी बटा टू, अब बराबर देखो भाग देंगे इसको तो क्या होगा 180 बटा दू, 180 बटा दू माइनस ए बटा टू हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी आओ आगे बढ़ते हैं, b प्लस सी बटा टू करेंगे इसको, और यहाँ भाग देंगे तो 90 और माइनस कितना होगा a बटा टू होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आगे इधर मिटा देते हैं, हो गया इधर का, ठीक है। देखिए जिसको आपको देख रहा है वीडियो तो आप लिखते जाना साथ में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए इधर से, अब यहाँ देखिएगा लिखेंगे हम लोग b प्लस सी का मान, b प्लस सी बटा टू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इकर मनवा ई में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, मान रख देंगे तो क्या होगा साइन क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए बटा बी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ ना जी। अब बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला क्या होता है, कोस ए बाई टू, प्रूव्ड हुआ आरएचएस, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, आओ कहीं पढ़े होंगे पहले भूल गए हो तो दूसरे तरह से भी, हाँ कुछ कैसे करिए, एने से ले जाकर उन्हें करिए, चाहे इसका कुछ वैल्यू निकाल करके और कुछ कर दीजिए, है कि नहीं। आप लोग क्या बोले होंगे कि इसको 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 साइन में बदलना था, जितना है ना लिखा हुआ उतना दोनों को बराबर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना सकते हो, ठीक है। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, हार्ड था, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको क्या किया, समझ लेंगे हम बिना देखले बोल रहे हैं, देखिए ना, तो देखिए दिया इतना बराबर हमको इतना सीध करना था, इसको एल एच एस माने इसको आर एच एस मान लिए हैं, हमको इससे इसको निकाल देना है, ला देना है, तो क्या करेंगे, और दिया हुआ है कि जो ए बी सी जो कोण है त्रिभुज के अंतः कोण है, अंदर वाला कोण है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था 180 डिग्री हम, लेकिन इसमें हमको इतना लाना था तो बी प्लस सी करना था, तो बी प्लस सी इधर छोड़ दिए थे, 180 माइनस ए कर दिए थे, और फिर बटा में दो भी करना था तो दोनों तरफ दो से भाग दिए थे, इधर बच गया था बी प्लस सी बटा टू, और यहाँ पर 180 माइनस ए बटा टू हो गया था। आप इसको अलग अलग कर दिए थे, देखो इतना आज लिख ही दिए हैं है ना, तो अलग अलग किए थे क्या 180 बटा टू और 180 ए बटा टू हो गया, अब भाग देंगे दो से तो 90 हो जाएगा, ए में तो दो से भाग पता नहीं चलेगा, दो है यहाँ तीन है पता नहीं एक जगह क्या है, तो भाग नहीं देंगे तो क्या होगा 90 माइनस ए बटा टू, तो इतना बराबर इतना वैल्यू हमको दिख रहा है, एकर जगह यहाँ पर ई लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हम अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा टीचर आके पढ़ा सकते हैं, जब वो मैथे के टीचर हम मैथे के टीचर कोई से पढ़ लीजिए, जो इसका इतना वैल्यू उतना ही वैल्यू इसका है, मतलब कि इसका इसका मीनिंग कहने का मतलब है कि अगर इसका मान अगर चार निकलेगा तो इसका मान भी चार ही निकलेगा, कैलकुलेशन करने के बाद चार ही दोनों का निकलेगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर है तो क्या करेंगे, इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिखें, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए तो ऐसे हो गया, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हुए करता है, यहाँ निकल गया है कि नहीं। तो कैसे बनाइए, बस खाली आप लोग कैलकुलेशन करते जाइए, सोल्व करते जाइए, बन गया ना, समझ में आ गया ना, प्रूफ हो गया ना आरएचएस। चलो छाव खत्म हो गया, अब सात की बात कर लेते हैं, वो लास्ट है
है ना। सात की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। तो सात में नंबर में क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को जीरो डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। कह रहा है कि जीरो और 45 डिग्री के बीच में इसको बदलना है, जीरो और 45 डिग्री। लेकिन प्रश्न में दिया है क्या, साइन 67 डिग्री दिया है और प्लस कोस 75 डिग्री दिया है, यानी 45 डिग्री से ज्यादा है। हमको जीरो और 45 डिग्री के बीच में रखना है इसका वैल्यू को, लेकिन ये दोनों 45 डिग्री से ज्यादा है तो इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देते हैं, मतलब हल कर देते हैं। क्या करेंगे इसको कि साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो हम ऐसे कर देंगे 90 और 67 घटा देंगे तो 3 ये बचा 2 23 आएगा ना, 90 माइनस 23 कर देंगे तो कोई दिक्कत है बाबू, क्योंकि इतना घटाएंगे तो क्या होगा, साइन तो इतना ही आ जाएगा, 67 ही आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब प्लस यहाँ पे कोस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो 15 घटाएंगे, तो घटाव कर लेना अपने एग्जाम में 15 डिग्री, तब यहाँ क्या हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ठीक था तो क्या होगा कोस 23 डिग्री हो गया और प्लस साइन 15 डिग्री हो जाएगा। अब एगो हम बता देते, ये तो हो गया क्या आंसर, ये हो गया बदल।